हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह। सबका बहुत बहुत स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, खास तौर पर NTUGC नेट की तरफ से, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में उनके लिए तो है ही जो लोग ऑलरेडी JRF ले चुके हैं या फिर जो अभी भी JRF लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप देखेंगे कि UGC.AC.IN की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर हम लोग आए हैं, और यहाँ पर ये नोटिस पब्लिक हुआ है 27 तारीख को, यानी 27 जनवरी को। तो इसको मैं ओपन कर रही हूँ, ये खुल गया है हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन का पेज। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँगी आपके सहूलत के लिए। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है ये इसका एप्लीकेशन नंबर है जो आप देख पा रहे हैं, 27 जनवरी 2023 को आया है। इसमें लिखा है सब्जेक्ट की अपग्रेडेशन फ्रॉम जूनियर रिसर्च फेलोशिप टू सीनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी SRF की तरफ। तो जब आप नेट क्वालिफाइड करते हैं या JRF क्वालिफाई करते हैं, तो जब PhD के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप JRF में एनरोल करते हैं 2 साल तक। तीसरे साल से, दूसरा साल खत्म होने के बाद तीसरा साल जब शुरू होता है, तो नेक्स्ट जो आपके अपकमिंग ईयर्स है, 3 ईयर्स है, वहां पर SRF वैलिड हो जाता है, यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बाद आपको मिलता है। तो ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि पहले तो बहुत इजी था कि आप भाई PhD कर रहे हैं, 2 साल आपने JRF लिया, उसके बाद जो है नॉर्मली वो अपग्रेड हो जाता था SRF के सिनेरियो में, या अपने आप ही बदल जाता था कि भाई तीसरे साल से हमें SRF मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपकी फेलोशिप की जो अमाउंट है वो बढ़कर भी आती है सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि आप ये जो है ऑटोमेटिकली अपने आप अपग्रेड नहीं होगा SRF के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो जो बच्चे JRF से SRF की तरह अपग्रेड होना चाहते हैं, तो 3 मेंबर्स की यहाँ पर कमेटी बैठेगी, उसको सुपरविजन करेगी, उसको देखेगी कि जो बच्चे JRF से SRF की तरफ अपग्रेड करना चाहते हैं, उनका पिछले 2 सालों में कितनी सटीकता से काम किया गया है, उनके फोकस पॉइंट क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उन्होंने JRF मिलने के बाद कोई ऑथेंटिक वर्क नहीं किया है या फिर कहीं टाइम पास ही कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखते हुए UGC ने न्यू रूल रेगुलेशन इस साल से बनाया है, जो कि आपको अब JRF से SRF लेने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए अब जरूरी ये हो गया कि JRF के दौरान जो भी आप पर्टिकुलर काम करेंगे अपने पेपर वर्क के ऊपर, जो भी आपके थीसिस रहेगी, उसको बहुत हद तक आपको सटीकता से काम करना है, ताकि कमेटी मेंबर्स को आप अपनी बात को न सिर्फ समझा पाएं बल्कि जस्टिफाई भी कर पाएं कि क्यों वो होल्डर बन सकते हैं अपकमिंग 3 ईयर्स के लिए SRF के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन एवरीवन। और तो अब एक न्यू टास्क हमारी तरफ से खुल गया है, जो कि आप देखेंगे कि अब JRF से SRF की तरफ भी अब सफर मुश्किल जो है होता चला जा रहा है। तो आपको शुरू में ही बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि आपकी जो स्टडी है और उसका डायरेक्शन क्या है, और आपको किस एंगल से जाकर मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जल्द मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, और KVS की UGC नेट की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।